में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज खंडवा दौरा है। 12:40 खंडवा के पांधाना पहुंचेंगे सीएम, तो पांधाना विधानसभा में सिंगोट में कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो खंडवा दौरा सीएम शिवराज सिंह चौहान का, 12:40 पर खंडवा के पांधाना पहुंचेंगे सीएम, पांधाना विधानसभा में सिंगोट में कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। तो लगातार हम देख रहे हैं ताबड़तोड़ दौरे सीएम शिवराज सिंह चौहान के। आज एक लोकसभा सीट खंडवा, वहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। तो खंडवा के पंधाना पहुंचेंगे सीएम, पंधाना विधानसभा में सिंगोट में कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान खंडवा के दौरे पर रहेंगे। खंडवा के पंधाना सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे, पंधाना विधानसभा में सिंगोट में कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो लगातार हम देख रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनावी क्षेत्रों के दौरे कर रहे हैं। अब 30 अक्टूबर को वोटिंग होना है, ऐसे में बहुत ही कम समय बचा है चुनाव प्रचार में, और पार्टी और भी तैयारी तेज करते हुए नजर आ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद उपचुनाव क्षेत्र में लगातार पहुंच रहे हैं, आज भी खंडवा दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। खंडवा के पंधाना सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे, तो पंधाना विधानसभा में सिंगोट में कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। तो उपचुनाव में बहुत ही कम समय बचा है, ऐसे में पार्टी तैयारियां तेज करते हुए नजर आ रही है। सरगर्मियां उपचुनाव को लेकर और तेज हो गई है, चुनाव प्रचार और तेजी से किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसी कड़ी में आज खंडवा के दौरे पर रहेंगे। खंडवा के पंधाना सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पहुंचेंगे, पंधाना विधानसभा में सिंगोट में कार्यक्रम में शामिल सीएम शिवराज सिंह चौहान होंगे। तो पंधाना और वड़वा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो आज खंडवा के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं। आपको बता दें 30 अक्टूबर को उपचुनाव होना है, वोटिंग होगी, ऐसे में बहुत ही कम समय बचा है चुनाव प्रचार में। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसी कड़ी में आज खंडवा दौरे पर रहेंगे, बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के पक्ष में वोट मांगेंगे। तो खंडवा के पंधाना पहुंचेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, पंधाना विधानसभा में सिंगोट में कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान हिस्सा लेंगे। तो बड़वा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो लगातार ताबड़तोड़ दौरे सीएम शिवराज सिंह चौहान के उपचुनाव क्षेत्रों में, उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां और भी तेज हो गई हैं, क्योंकि 30 अक्टूबर तारीख बेहद नजदीक है उपचुनाव की, ऐसे में कोई कोर कसर पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है जीत हासिल करने में। इसी कड़ी में लगातार ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार उपचुनाव क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, आज खंडवा के पंधाना पहुंचेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता शरद व्यास फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, आज खंडवा के पंधाना पहुंचेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, क्योंकि तारीख बेहद नजदीक है, ऐसे में चुनाव प्रचार और भी तेज। देखिए, चुनाव जैसे से नजदीक आ रहा है और वैसे से जो दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रचार और तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, पर जो सभाएं हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, प्रचारक जो है वो अब चुनावी मैदान पर है। तमाम लोग अब जो है इस चुनाव को जीतने की जैसे के हाथ में लग चुके हैं, जो राजनेता है। आज शिवराज सिंह चौहान तकरीबन 11:30-12 बजे के आसपास यहाँ से निकलेंगे, 12:30 बजे के आसपास वो खंडवा पहुंचेंगे, वहां पर स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। पंधाना विधानसभा है, वहां पर वो शामिल होंगे कार्यक्रम में, और जैसा कि प्रतिदिन वो 3 सभाएं कर रहे हैं, आज भी वैसा ही क्रम रहेगा, और उसके बाद फिर आने वाले समय में ये प्रक्रिया बढ़ती चली जाएगी, और स्टार प्रचारकों जब राजनीतिक मैदान में उतरेंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो उनकी सभाएं भी कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। तो लगातार हम चुनाव के दृष्टिगत देख सकते हैं कि चुनाव जिलों के नजदीक आएगा, वैसे वैसे जो ये सभाओं का दौर और रैलियों का दौर लगातार बढ़ेगा, चुनाव एग्रेसिव मोड में धीरे धीरे आने लगेगा, क्योंकि अंतिम जो 7 दिन होते हैं किसी भी चुनाव के, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, उसमें अंतिम 6 से 7 दिन जो होते हैं वो काफी क्रूशल होते हैं, और उस 6 से 7 दिनों में कोशिश रहती है राजनीतिक दलों के हर वर्ग तक, हर घर तक पहुंचने की कोशिश की जाए,
चाहे एग्रेसिव चुनावी रैलियों के माध्यम से हो या फिर घर घर पहुंचकर घर घर डोर टू डोर की कैंपेनिंग जिसे कहते हैं वो करने के हो, तो वो तमाम सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। शिवराज सिंह चौहान का दौरा जो है जैसे कि पहले के दौरे रहे हैं, इस बार का दौरा भी अहम रहेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खडवा और खरगोन के प्रवास पर रहेंगे। वे पंधाना और पड़वा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो 30 अक्टूबर को वोटिंग होना है, ऐसे में बेहद कम समय बचा है, चुनाव प्रचार इसी के चलते तेज हो गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज 3 जनसभाएं करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के पक्ष में वोट की अपील सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो कोई कोर कसर पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है, जीत हासिल करने में लगातार हम देख रहे हैं तैयारी तेज, सरगर्मियां तेज। उपचुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार उपचुनाव क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। आज भी खंडवा के पंधाना पहुंचेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, वहां पर बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के पक्ष में वोट मांगेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो लगातार हम देख रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान उपचुनाव क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, जनता से संपर्क कर रहे हैं, लगातार कोशिश रही पार्टी की सभी वर्ग को साधने की। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसी कड़ी में आज प्रचार प्रसार के लिए खंडवा एक लोकसभा सीट जहां पर उपचुनाव होना है वहां पर पहुंचेंगे और बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे और जनता से वोट की अपील करेंगे।